और बीजापुर में पेद्दा कोरमा के जंगलों में गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सलियों के साथ में डीआरजी बस्तर के फाइटर जवानों की मुठभेड़ हुई है। वहीं इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने नक्सलियों का कैंप तबाह कर दिया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीजापुर के पेद्दा कोरमा के जंगलों में गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोडियम, गंगालूर LOS कमांडर दूला कारम और कई बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी है। सूचना मिलते ही डीआरजी बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के संयुक्त जवानों की टीम पेद्दा कोरमा के जंगलों की ओर निकली। इस दौरान नक्सलियों और फाइटर जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चली और इसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत मुनगा कोरमा के जंगलों में गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश मोरियाम के साथ 15-20 अन्य सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर्स एसटीएफ कोबरा 202 और 210 की संयुक्त पार्टी रवाना किया गया था। आज सुबह 7 बजे पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में माओवादियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया है और कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक दवाई, माओवादी वर्दी और संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री, माओवादी साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया है। क्षेत्र में अभी सघन सर्च अभियान जारी है।